देखिए मैं नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो पास्ट में जो चीजें हो गई, जो बातें हो गई हैं, जो बीत गई, उन्हें दोबारा दोबारा स्मरण ना करें, याद ना करें, या उन्हीं चीजों को लेकर बार बार खुदा के आगे रोए ना, कुड़कुड़ाए ना कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसे किया था, वैसे किया था। परमेश्वर कह रहे हैं उन्हें छोड़ दें, और क्योंकि जब तक हम उन्हें नहीं छोड़ते, ऐसा करते हैं तो हमें कई बार सफर करना पड़ता है। ना तो हम आत्मिक रीति से बढ़ पाते हैं, ना तो हम दुनियावी रीति से बढ़ पाते हैं। सो हमारी किसी भी तरह से हमारी उन्नति ग्रोथ नहीं होती। परमेश्वर आपको इन पुरानी बातों को छोड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ को रिस्टोर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके आपको एक नया स्टार्टअप दे रहे हैं। इसलिए आप क्या करें, पुरानी बातों को क्या कर दें, छोड़ दें। और अगर हम नहीं छोड़ पा रहे तो खुदावन यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे, सामर्थ्य, ताकि मैं क्या करूं, पुरानी बातों को छोड़ दूं। और परमेश्वर आपको देंगे। और पहला नया काम यह होगा कि आप उन पुरानी बातों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जब आप छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको वर्ल्डली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से ब्लेस करेंगे। आमेन। खुदा बरकत दे आप सबको।